तो आज बड़ा दिन और आज इस ऐतिहासिक दिन को, क्योंकि नेहरू के बाद दूसरी बार ऐसा कोई कारनामा कर पाया, आप आज इस दिन को और जब प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को तिबारा स्थापित कर चुके हैं, कैसे देख रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया की आजादी आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, के लिए भी का उमंग का उल्लास का दिन प्रसन्न है। पर मोदी सरकार बाद इस देश के रिकॉर्ड से काम किया है कि 30 बार लगातार की शपथ दे रहा है। याद है कि हमने वो कहा है जिसमें लगातार फैक्टर हुआ करता था। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है राकेश जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ आपके पास आने के लिए, हम एक बार फिर डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं, शायद दुरुस्त हो जाए तो फिर आप अपनी बात पूरी रख पाएंगे, क्योंकि ऐसे बात पूरी सुनाई नहीं दे पा रही है। राजन जी मेरे दूसरे मेहमान तब तक ईपी लगा रहे हैं। राजन जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अब, तो ये जो लिस्ट है सर, मैं पहले चाहती हूं जरा आप इस पर विश्लेषण कीजिए। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जैसा मैंने गिनवाया 10वें नंबर पर जाकर के एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के आते हैं, और टीडीपी का नंबर तो और पीछे देखने को मिलता है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी लिस्ट को? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। जिस तरीके से 1, 2, 3, 4 क्रमांक जो सेट किए गए हैं, इसमें क्या नजर आता है आपको? देखिए, अगर गौर किया जाए तो प्राथमिक तौर पे जो 5 मंत्रालय होते हैं वो वही पार्टी रखती है जो लीड कर रही होती है उस गठबंधन को, तो उसके हिसाब से तो वो लिस्टिंग बिल्कुल ठीक दिखाई देती है। दूसरा, अगर पीछे दौर पर अगर जाया जाए तो जॉर्ज फर्नांडीज को एक बार पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, तो उस आधार पर इस तरीके से संख्या बांटी गई है, उस आधार पर इस तरीके से नंबरिंग की गई है। पहले भाजपा के तमाम कैबिनेट मंत्री जिनको शपथ लेनी थी उनको दिया गया, और उसके बाद सहयोगी दलों को, और बाद में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, इस तरीके से दिया गया है। मुझे लगता है ये आपस में सब कुछ, सारी चीजें पहले से तय हो चुकी है। जैसे कि बात आई कि अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, इनको लेके इन्होंने मंत्रिमंडल कहा कि हम राज्य मंत्री का दर्जा नहीं लेंगे क्योंकि प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मंत्री रह चुके। ये भी सारी बातें आपस तौर पर एक बार सेट हो चुकी थी। और इसमें एक बात और भी नजर आती है कि जिस तरीके से तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप एनसीपी पर तमाम सारे लगे हुए हैं, इसको फिलहाल इस शपथ ग्रहण में कवर अप रखने के लिए, इसको थोड़ा सा साइड लाइन करने के लिए ये एक सोची समझी प्लानिंग हो सकती है, ताकि बहुत ज्यादा हेडलाइंस में अंडरलाइन ना हो ये चीज। नहीं नहीं, इसको देखते हुए ऐसा किया गया। बाकी जो क्रम आप जो कह रहे हैं उसे कैसे माने, एक बयान सामने आया है उसमें अजित पवार कहते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर से कम कुछ मंजूर नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए हम शामिल होंगे, ये उनका बयान है हाल का। हाँ, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आज जिस तरीके से शपथ ग्रहण है, जिस तरीके से जिस तरीके से मंत्री शपथ ले रहे हैं, उस दौरान किसी तरीके का कोई विवाद इस एनडीए के भीतर हुआ होगा ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर एनसीपी ने क्यों नहीं लिया। मैं उसी की बात कर रहा था कि अजित पवार ने इस तरीके का बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमको स्टेटमेंट मिल रहा था लेकिन हमें कैबिनेट से कम मंजूर नहीं था। तो मुझे लगता है ये जो मेरी अंदर खाने की बात है, मेरे अंदर खाने की खबर है, जितनी मेरी पॉलिटिकल समझ कहती है, वो ये कहती है कि एनसीपी पर जिस तरीके के तमाम सारे आरोप हैं उनको फिलहाल इस शपथ ग्रहण समारोह में ना शामिल करके, किनारे करके अपनी एक फेस सेविंग की गई है, और आगे ये चल के मसला हल हो जाएगा, वरना आज इस शपथ ग्रहण में एनसीपी होती ही नहीं अजित पवार वाली। ठीक है, आप सोच रहे हैं इसके पीछे पूरी एक तैयारी है। ठीक है, अब राकेश जी, अब शायद मुझे आपकी आवाज प्रॉपर आ पाए। अब इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी बहुत खुशी होगी, और जाहिर तौर पर होना भी चाहिए क्योंकि तीसरी बार ये कीर्तिमान ही अपने आप में। लेकिन उसके साथ ये गठबंधन धर्म सिर्फ निभाना भर नहीं है, गठबंधन की सरकार चलाना है इसके बिना जो मुमकिन ही नहीं, तो कितना मुश्किल। गठबंधन चलाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा अभ्यास है, अपने 24 दलों के गठबंधन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी चलाई है,
और याद करिए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 282 सीट लेकर के आई थी, 272 से ज्यादा थी, अकेले दम पर सरकार बना सकते थे, फिर भी 5 मंत्री अपने गठबंधन के सहयोगियों के बनाने का काम किया था। एनडीए को हम साथ लेकर के चले थे, 2019 में हम 303 सीट लेकर के आए थे, तब भी हम एनडीए के अपने घटक दलों को अपने साथ लेकर के चले थे। भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार अपने घटक दलों के साथ हमेशा उदारता का रहा है, सबको साथ लेकर चलने का रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास ये नारा जब देते हैं तो गठबंधन सहयोगियों को साथ लेकर के चलना, वो गठबंधन सहयोगी जो चुनाव पूर्व गठबंधन के हैं, ये कोई जोड़ घटा करके किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर नहीं आए हुए हैं, बल्कि वैचारिक सम्यता के आधार पर आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को जानते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और ये बात सेंट्रल हॉल की एनडीए की मीटिंग सर आप सब कह रहे हैं, जो अब आपके दिए जो दो बैसाखियां, जिसका बैसाखी बार बार इसी शब्द का इस्तेमाल होता है ना, ये आप तब कह रहे हैं जब आपके साथ थे और आप ही से टूटे, भले फिर चुनाव के पहले आपके पास आ गए, चाहे वो जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो, ये आप तब कह रहे हैं। देखिए आशा जी, हर परिवार में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पिता पुत्र में नाराजगी हो जाती है, पति पत्नी में नाराजगी हो जाती है, परिवार के भीतर जो बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं, बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं, उनमें भी कई बार खटास हो जाती है, लेकिन परिवार फिर भी अलग नहीं हुआ करता है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार टूटेगा तो नहीं चलेगा ना।